सही है। तो हम समाज का भी संघर्ष जीत लेंगे, समाज में जो संघर्ष चल रहा है उसको भी जीत लेंगे। यहां पर जो बातें चल रही है वो उससे अलग वाली बात, यहां पर जो बातें चल रही है उस पर गौर करना चाहिए। क्या बातें चल रही है? हमारे महाराष्ट्र में वाकया हुआ। क्या वाकया हुआ? कि एक भीड़ में एक लड़के की मौत होती है, उस पे जो अत्याचार करने वाले जो लोग थे उसको कोर्ट रिहा करती है। उसके पड़ोस के एक जिले में किसी भी अत्याचार के खिलाफ है, हम लोग कोई भी अत्याचार होता है, महिला पे अत्याचार होता है तो हम उसके खिलाफ ही हैं। तो वहां पर एक समाज के किसी लड़की पे अत्याचार होता है, हम भी लड़े उसके लिए कि न्याय मिलना चाहिए, और जिन्होंने अत्याचार किया उसको कड़ी से कड़ी सजा हुई मिलनी चाहिए, हम भी उस आंदोलन में शरीक हुए। 2 साल में फैसला साथ साथ में आता है, एक को तीनों को लोअर कोर्ट फांसी दे देती है और एक को वही कोर्ट लोअर कोर्ट बाकायदा रिहा कर देती है बेनिफिट ऑफ डाउट के तहत। तो हम जिस पर बात कर रहे हैं यहां पर, ये क्या है? अगर आपको ये संविधान के अनुरूप जो कसमें आप लेते हो उसके तहत में आपको ये संविधान के तहत उस कुर्सी पे बिठाया गया है, हम नहीं, हम वी द पीपल ऑफ इंडिया, हमने आपको बिठाया, किस लिए बिठाया? अगर आपको ये संविधान के अनुरूप काम नहीं करना है तो हट जाइए, आप बाजू में नहीं। आप जिसको यह संविधान मानने है, संविधान के तमाम आर्टिकल 14, 15, 16 तमाम फंडामेंटल राइट से लेकर तमाम आर्टिकल मान्य है, जो कसमें खाते हैं, जिनको कसमें निभाने हैं, वही सरकार चले, आप क्यों आ गए वहां पर? तो सवाल ये हम यहां पर उठा रहे हैं कि समाज में जो अत्याचार हो रहे हैं उसके खिलाफ हम लड़ रहे, संगठन बना रहे, लेकिन मैं कभी कभी बहुत महसूस करता हूं कि इस देश में जनतंत्र को सबसे बड़ा खतरा क्या है। तो बार बार देखा है कि जो प्रशासनिक प्रक्रियाएं हैं, जो एग्जीक्यूशन प्रोसेस है तमाम, कि आरक्षण का मसला लीजिए, तमाम महिलाओं के साथ सम्मान का मसला लीजिए, तमाम यह प्रशासनिक जो एग्जीक्यूशन की जो प्रक्रिया है वही इस देश के जनतंत्र को धक्का दे रही है, वही उसको चैलेंज करने की प्रक्रिया में है। यह कैसा जनतंत्र है? हम लोग मानते थे कि जनतंत्र का एग्जीक्यूशन एक अपना एक स्तंभ है, एक पिल्लर है, संसद एक पिल्लर है, तीसरा पिल्लर है हम लोग मानते थे कि न्याय व्यवस्था पिल्लर है, चौथे स्तंभ को तो मैं नहीं मानता, वो कौन मानता होगा मालूम नहीं, वो तो कोई स्तंभ है नहीं, मीडिया जिसको बोलते हैं आप आजकल, वो तो कोई स्तंभ है नहीं, सोशल मीडिया हो सकता है, वो हो सकता है चौथा पिल्लर। लेकिन ये पिल्लर क्या हो रहा है, ये पिल्लर क्या कर रहे हैं हमारे जनतंत्र को ताकत है, क्या कर रहे हैं? अगर वो हम लोग वाकया ले लेते, खैरलाल जी का लीजिए, खैरलाल जी की घटना लीजिए, क्या रेयर ऑफ द रेयर केस नहीं दिए? क्या फांसी मिली? अब सन्माननीय सुप्रीम कोर्ट में वो केस है पेंडिंग, उस पर अभी डिस्कशन होगा। लोअर कोर्ट में क्या किया? आजीवन करावा। तो एक पिल्लर एक के साथ अलग न्याय करता है, एक के साथ अलग न्याय करता है, इस पर हमारा सवाल है।
एक कोर्ट अगर आपको बेल नहीं देती है, मेरा समझ में नहीं आता मुझे कि आपको अगर कोर्ट ने बेल दे दी है, कोर्ट आखिर में न्याय कौन देने वाला है? न्याय की जिम्मेदारी किसकी है? किसकी है जिम्मेदारी? कोर्ट की जिम्मेदारी। अगर कोर्ट मानता है कि इस आदमी के मुझे बेल दे देना चाहिए क्योंकि मुझे कुछ नहीं लगता इसमें, तो आप प्रशासन के तौर पे आपको कैसा महसूस हो रहा है? न्यायालय को अलग महसूस हो रहा है और प्रशासन को अलग महसूस हो रहा है। भाई सरकार कैसे चलेगी ऐसे से? मैं अलग तरीके से सवाल कर रहा हूं। अगर एक व्यक्ति से न्याय व्यवस्था को अड़चन नहीं हो रही है, उसी आदमी से प्रशासन को अड़चन हो रही है। भाई न्याय देने का सुप्रीम पावर किसके हाथ में? न्यायालय के हाथ में है ना, यानी उसका भी पावर प्रशासन लेना चाहता है। ये क्या प्रोसेस है एग्जीक्यूशन की? तो ये सब सवाल उठ रहे हैं। अभी आपको मालूम है माननीय सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में जो ईडी का एक कानून था आर्टिकल 45A, उसमें भी इसी तरीके से पावर था। उसी पावर के तहत हमारे महाराष्ट्र के जो ओबीसी के बड़े नेता छगन भुजबल साहब अंदर है, तो उस पर सवाल किया माननीय सुप्रीम कोर्ट ने, 2 साल से है जेल के भीतर ईडी कानून के तहत। ईडी कानून का जो आर्टिकल 45 क्या कहता है कि सरकार को लगता है, सरकार को अगर उसी तहत न्यायालय को लगता है इसको बाहर रखने से धोखा है तो उसको बेल नहीं दी जाएगी। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा दिस इज द वायलेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट ऑफ, तो उन्होंने कहा कि ये असंवैधानिक है आर्टिकल 45 ऑफ द ईडी कानून। अब उन्होंने उसको निरस्त करने का कल परसों एक ऑर्डर जारी किया। उसका कहना है कि जब तक कोई व्यक्ति गुनहगार नहीं है और कोर्ट उसको सिद्ध नहीं करती तब तक उसको जेल में नहीं रखा जा सकता। ये माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अभी कहा है आर्टिकल 45 ईडी को कानून के तहत उसके तहत जा सकते किसी को भी, माननीय चंद्रशेखर जी हो या कोई भी हो, जिसको कोर्ट ने अगर बरी कर दिया बेल दे दिया उसको तुरंत जेल में डालने के सवाल को लेकर हम क्वेश्चन कर सकते हैं कोर्ट में। हम उसको कानून है उसके खिलाफ में कोर्ट जाया जा सकता है और मुझे लगता है कि फंडामेंटल राइट के आधार पर माननीय हाई कोर्ट में इसके खिलाफ में याचिका दायर हो सकती है और आपने करनी चाहिए, पहली स्टेप आपने डालनी चाहिए इसके लिए और ये करना चाहिए। मुझे कभी कभी लगता है कि हम लोग कल परसों हम लोग चर्चा कर रहे थे वी द पीपल ऑफ इंडिया जो पहला शब्द है हमारे संविधान का और उसको लेकर हम हमारे जनतंत्र की परिभाषा करते हैं फॉर द पीपल बाय द पीपल बनी, तो मुझे उसके ऊपर सवाल खड़ा हो कि ये जो जनतंत्र की एक जनरल परिभाषा है क्या भारत में वो लागू है? मुझे कभी कभी लगता वी द पीपल ऑफ इंडिया माने कौन? तो जिनको जो बहुजन है, बहुजन एक बहुत अच्छा एक शब्द है लेकिन मेजॉरिटी जिसको बोलते हैं, मेजॉरिटी जिनको मिलती है वो सत्ता प्राप्त करेगी और जो माइनॉरिटीज है उनके ऊपर राज करेगी, शायद ये तो जनतंत्र की परिभाषा नहीं है हमारे देश। वी द पीपल ऑफ इंडिया, अगर वी द पीपल ऑफ इंडिया ये है यानी मैंने इस भारत का संविधान मेरे लिए अर्पण किया है तो फिर ये क्यों वारदातें हो? मैं किसी को एक्स और वाई में नहीं देखता, मैं सबको एक ही तरीके से देखता हूं।
हर चीज को भारत के संविधान के दायरे में तोड़ने की कोशिश करता हूं। मेरे जीने का और मेरा भगवान इस देश में कोई होगा तो मैं भारत का संविधान मानता हूं। हर चीज को, मेरे भी चीज को मैं तोड़ता हूं तो मैं संविधान के तरीके से देखता हूं कि क्या मैं ठीक कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं। और मैं हर चीजों को, किसी भी सरकार की हो या व्यक्ति की भी हो, मैं भारत के संविधान के अनुरूप ये चल रहा है कि नहीं चल रहा मैं उसको देखने की कोशिश करता हूं। तो मेरा पहला ही मानना है कि इसको कोर्ट ऑफ लॉ में हम लोग चैलेंज कर सकते हैं और करना चाहिए। दूसरा मेरा मानना है, मेरा सुझाव पे आ रहा हूं, मेरा इतना ही वक्त बता सुझाव पे आ रहा हूं कि क्या, क्योंकि पिछले साल तो भारत सही माने में तो हमने देखना था कि भारत के संविधान के निर्माता डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर को भारत रत्न मिलने के लिए 40 साल लगे, 1990 में मिला। और भारत के संविधान की सालगिरह 2000 में तो मनाना चाहिए था 50वीं, लेकिन वो मना नहीं पाए हम लोग। पिछले साल मनाए हम लोगों ने, तो उसी को आगे लेकर हम चलना चाहिए। क्या चलना चाहिए? हमने भारत सरकार की तरफ एक दरखास्त करनी चाहिए कि आने वाले संसद सत्र में, ये सत्र ऐसा ही चलने वाला है क्योंकि इसका जनवरी का जो सत्र है वो बजट का सत्र है, ये सत्र ऐसा ही है, क्या इस सत्र में हम दो दिन की चर्चा खास करके दलित अत्याचार और दलित न्याय को लेकर संविधान में जितने भी है कोशिश है, योजनाएं है, एक्टिविटीज है, उन तमाम बातों के ऊपर में क्या संविधान में दो दिन की चर्चा हो सकती है और होनी चाहिए। इसके लिए हम लोगों ने ज्ञापन देना चाहिए, लोकसभा अध्यक्ष को देना चाहिए, माननीय राष्ट्रपति को ज्ञापन देना चाहिए कि पिछले बार आपने संविधान के ऊपर में चर्चा की, इस साल इस देश के सबसे वंचित, सबसे हम लोग कह सकते हैं कि डिसएडवांटेज ग्रुप का जो नुमाइंदा है उसके लिए जो बने कानून और उसके लिए बने तमाम योजनाओं के ऊपर में दो दिन की एक समीक्षा संसद में होनी चाहिए और उसके लिए दो दिन का सत्र होना चाहिए, इसकी मांग करनी चाहिए। दूसरा, एक बात होनी चाहिए कि एक पूर्व न्यायाधीशों की एक कमेटी का गठन की भी मांग राष्ट्रपति से करनी चाहिए कि ये जो भेदभाव वाले जो तरीके आ रहे दिख रहे हैं, बिल्कुल खुले रूप से दिख रहे हैं कि एक के लिए एक न्याय और एक के लिए एक न्याय कोर्ट दे रहा है। हम कोर्ट के ऊपर सवाल नहीं कर रहे, आ तो रहा ना बस, नतीजा तो बाहर आ रहा ना, आप विवेक से दे रहे या कानून से दे रहे पता नहीं हमको, लेकिन अगर कानून का आधार सही है तो सबको न्याय एक ही मिलना चाहिए। लेकिन एक केस में, समान केस में एक के लिए एक न्याय और एक के लिए एक न्याय मिल रहा है, तो मुझे लगता है तमाम मुद्दों के ऊपर में जो बातें हो रही है उसके लिए एक पूर्व न्यायाधीशों की एक कमेटी का गठन होना चाहिए, इसकी मांग होनी चाहिए। और तमाम न्यायालयों के जो भी इस तरीके से जो नतीजे आ रहे हैं उसकी समीक्षा हो और उस समीक्षा का रिपोर्ट माननीय जो चीफ जस्टिस और माननीय राष्ट्रपति को देना चाहिए, इसकी भी दरखास्त हमने करनी चाहिए, इसकी भी मांग उठानी चाहिए, क्योंकि सवाल नहीं उठाएंगे तो ये सिलसिला चलते रहेगा। इसके लिए तीसरी मैं मांग यहाँ पर कर रहा हूँ, एक सुझाव है, सुझाव ऐसा है कि अगर आपको ये दिख ही रहा है सही सही रूप में, मैं किसी अत्याचार की बात नहीं कर रहा हूँ, गांव गांव में होते ही रहते हैं, आप एक इंसान दूसरे इंसान के ऊपर करता है ये तो हम लोगों ने देखा है, बहुत सालों से झेलते आए, उसके लिए हमने संगठन बनाया है, उसके रिप्रेशन के खिलाफ हमारे संगठन आवाज बुलंद करते हैं और हमारी, हमने खुद ने अपनी एक संगठन की ताकत बनाई है हमारे अपने सुरक्षा के लिए, अपने न्याय के लिए। लेकिन जो प्रशासन के अंदर आरक्षण की भी बात कर रहे हैं आप, आरक्षण तो मिला है लेकिन कहां मिला है पता नहीं, ऐसे बोल रहे हैं हम लोग, जो भी बातें हैं उसको लेकर या इस तरीके से जो भी वारदातें हो रही है प्रशासन की ओर से, मैं कह रहा हूं एग्जीक्यूशन प्रक्रिया की ओर से, मैं कह रहा हूं बाकी नहीं, एग्जीक्यूशन की ओर से जनतंत्र का जो एक स्तंभ है
उस थम के तरीके से, उस थम के माध्यम से ये जो कुछ घटनाएं हो रही है, उन तमाम घटनाओं को लेकर राष्ट्रपति को एक ज्ञापन आप लोगों ने देना चाहिए और मांग करनी चाहिए कि अगर संविधान की सुरक्षा में, अंतिम आदमी के सुरक्षा में भेदभाव करता है प्रशासन, और प्रशासन का ये तरीका अगर भेदभाव पूर्ण रहेगा तो जनतंत्र का ये तरीका खतरा है, इसको लेकर भी एक ज्ञापन राष्ट्रपति, सम्मानीय राष्ट्रपति जी को देना चाहिए, ऐसा मेरा एक सुझाव है। और मुझे लगता है कि ये उसे प्रशासन को लेकर है, उनके भेदभाव के तरीके को लेकर है, और उसको लेकर हम लोगों ने अलग तरीके से मांग उठानी चाहिए। अगर हो सकता है इस ज्ञापन के लिए हमारे कुछ सांसद है, उनको भी हम लोग साथ लेकर जा सकते हैं, उनको भी कह सकते हैं कि आप संसद में इस बात को जो दो दिन की चर्चा के लिए आप मांग उठाए, या माननीय महामहिम राष्ट्रपति को ज्ञापन देना है उसके लिए भी आप कुछ लोगों को साथ में लेकर जा सकते हैं। तो मेरा इतना ही सुझाव है, मेरा कहना ऐसा है कि ये एग्जीक्यूशन की तरफ से ये भेदभाव पूर्ण रवैया मुझे लगता है जनतंत्र को खतरा है, यही मैं सवाल उठाता हूँ इसके ऊपर, और मुझे बोलने का मौका दिया, धन्यवाद।